मैं चंद साल पहले हज में था तो वहाँ पे हमारे अफगानिस्तान के कंदहार और हेलमंद के जो लोग हैं उनका ड्रेस एक जैसा है। तो वहाँ से मैं हरम नबवी में मस्जिद नबवी में बैठा था तो बहुत ज़्यादा लोग आए थे कंदहार और हेलमंद से। तो एक बाबा था अफगानी हेलमंद से था, उससे मैंने पूछा पश्तो में कि बाबा तस्वीर यात्रा के लिए हज तक बहुत सारे आप लोग आए हैं हेलमंद और कंदहार की क्या वजह है। तो बाबा का जवाब सुनने का काबिल है। बाबा ने कहा कि इस दफ़ा हेलमंद और कंदहार में अफ्यून की काश बहुत ज़्यादा हुई थी। तरियाक वो अफगानिस्तान के लोग तरियाक कहते हैं, तरियाक बहुत ज़्यादा हुई थी और तरियाक की वजह से पैसा आ गया। जब पैसा आता है तो फिर हज फर्ज होता है, जब हज फर्ज होता है तो आपने आना पड़ता है। मैंने कहा तोबा तोबा, इसको उलमा क्लियर कराएं कि तरियाक के अफ्यून के पैसे पे आप हज कैसे करेंगे। अफ्यून की आमद का जो पैसा है उस पर हज और उमरा जैसा मुबारक अमल और इबादत आप कैसे करेंगे। ये सारी चीज़ें हैं जिसमें उलमा का भी एक किरदार बनता है।